वो हमारी स्टेनो है। मैं शाम को करीब 5 बजे बस से दिल्ली से मेरठ जा रहा था। जैसे ही बस दिल्ली से चली, मैंने आगे की सीटों पर बैठे यात्रियों को खड़े होकर एक नज़र देखा कि कहीं कोई पहचान वाला ही मिल जाए। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने के सीट पर करीब 22 बरस की एक सुंदर लड़की और करीब 30 बरस का एक मर्द बैठे थे। दोनों ही एक दूसरे के बहुत पास बैठे थे और देखते ही ऐसे लगता था कि उनको बस में भी अपनी हरकतें करने से कोई गुरेज नहीं था। उनकी हरकतों को देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि शायद उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, क्योंकि उनकी निकटता बातों तक या साथ साथ सट कर बैठने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि हाथ में हाथ लेने और कभी कभी लोगों से नजरें बचाकर हाथ को चूम लेने तक भी हो रही थी। हालांकि उनकी पीठ मेरी तरफ थी और मैं उनके चेहरों को साफ नहीं देख पा रहा था, पर उनकी हरकतें मुझे दिख रही थी। मर्द ने अपनी बांह उस लड़की के कंधे पर रख ली थी। तभी अचानक उस मर्द ने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा हुआ मेरा दोस्त अमित था। जैसे ही उसने मुझे पीछे बैठे हुए देखा, वो मुस्कुराया और तुरंत ही उठकर पीछे आ गया और मेरे साथ की खाली सीट पर बैठ गया। मैंने उसको जिज्ञासावश पूछा, क्या काम करते हो तुम आजकल मेरे दोस्त? वो हंसा और फिर बोला, मैं एक PCS ऑफिसर का निजी सचिव हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी। सरकारी नौकरी है, बस मौज ही मौज है, अब जिंदगी मजे से कट रही है। बातें करते करते बस एक स्टॉप पर रुकी तो वह लड़की उठकर खड़ी हो गई। वो उस लड़की का स्टॉप था, लेकिन अमित को तो मेरे साथ मेरठ तक ही जाना था, क्योंकि वो मेरठ में रहता था। वो लड़की अमित को बाय बाय कहकर बस से नीचे उतर गई। मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि वो लड़की अमित की पत्नी थी, लेकिन वो तो सिर्फ मुस्कुराकर हाथ हिलाकर चली गई थी। मैंने अपनी बढ़ती जा रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए अमित से फिर पूछा, यार ये तेरी बीवी नहीं थी? मैं तो तुम दोनों को पति पत्नी समझ बैठा था। अमित ने कुछ शर्माते हुए लेकिन मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ कोई भी देखकर यही सोचता शायद, बीवी तो वह है लेकिन अपने पति की, और पति तो मैं भी हूं लेकिन अपनी पति का। ये लड़की हमारी स्टेनो है, मेरे नीचे मेरे दफ्तर में काम करती है। तभी तो कहा था तुझे के सरकारी नौकरी है और मौज ही मौज है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल। बहुत दिनों तक वो अपने प्रेम संबंध को छुपाती रही थी, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क या खुशबू छुपाई से नहीं छुपते हैं, और हुआ भी यही। जैसे ही उसके प्रेम संबंध की जानकारी उसके परिवार वालों के कानों तक पहुंची, घर में तो हंगामा ही मच गया। बड़े भाई ने सबके सामने ही लाल आंखें दिखाकर गरजते हुए कहा, बज्जात बेहया लड़की, पूरी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दिया तूने। कॉलेज जाने के बहाने से तू क्या क्या गुल खिलाती रही है सब मालूम चल गया। शर्म नहीं आई तुझे? तूने तो हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा है। उसकी भाभी ने भी
उसके बड़े भाई के सुर में सुर मिला दिया। हाय हाय, तुझे शर्म नहीं आई अपने खानदान की इज्जत को दाग लगाते हुए? अपने बड़े भाई की इज्जत का तूने जरा भी ख्याल नहीं रखा? हमें तो तूने कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। तभी बीच में उसकी तरफ झपकती हुई उसकी मां ने भी चिल्लाकर कहा, कुलक्षिणी, अगर मुझे मालूम होता कि तू बड़ी होकर ये गुल खिलाएगी तो मैं तो तुझे जन्म देते ही मार देती, तेरा गला घोट देती। मैंने तुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया ये दिन दिखाने के लिए? बाप पीछे कैसे रह सकता था? बेशर्म लड़की, अपनी नहीं तो कम से कम अपने बूढ़े बाप की सफेद दाढ़ी की ही लाज रख लेती। पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी है तूने। हमने तुझे शहर के कॉलेज में पढ़ने को भेजा ही क्यों? तूने तो हमें जिंदा ही मार दिया है। वो बेचारी आंखें नीचे किए चारों तरफ से हो रही तीखे शब्दों की मार सहन कर रही थी। उसको चुप देखकर उसके बड़े भाई को और भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उसके गालों पर न जाने कितने ही थप्पड़ जड़ दिए। वो दर्द से चीखने लगी और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। उसकी चीखों का किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। आखिर उसके सब्र का बांध टूट गया और वह फट पड़ी। आपने भी तो 8 साल पहले मेरी इस भाभी से प्रेम विवाह किया था, क्या तब लव मैरिज थी और अब नहीं है? क्या हुआ अगर मैंने अपनी पसंद के लड़के से प्यार कर लिया तो? क्या गुनाह किया है मैंने? पहले खुद को और भाभी को देखिए एक बार और फिर मुझ पर हाथ उठाइएगा अब आगे से। थप्पड़ मारने को तैयार उसके बड़े भाई का हाथ रुक गया। वो फटी फटी आंखों से अपनी बहन को देखने लगा। घर के अन्य सभी सदस्यों को भी जैसे सांप सूंघ गया और सभी लोग एक एक करके सर झुकाकर ग्लानी और शर्मिंदगी से भरे कमरे से बाहर चले गए। मित्रों, कैसी विडंबना है कि अगर घर का जवान लड़का चाहे कितनी ही लड़कियों से प्रेम करे या प्रेम का दिखावा करे तो घर वाले खुश होते हैं कि उनके बेटे को कितनी लड़कियां पसंद करती हैं। कोई उसको हीरो कहता है तो कोई उसको रोमियो कहता है। लड़के को खूब प्यार और प्रोत्साहन मिलता है और उसके पास उन लड़कियों में से किसी को भी चुनने का विकल्प होता है। लेकिन अगर घर की कोई जवान लड़की किसी लड़के से प्रेम करने लगे तो उसको न जाने क्या क्या कहा जाता है और मारा पीटा जाता है। और कभी कभी तो उसके ही परिवार वाले लड़की और कभी कभी लड़के दोनों को जान से मार देते हैं और कहते हैं कि उनके खानदान की इज्जत का सवाल था। आप खुद ही सोचिएगा कि आपका परिवार कहाँ ठहरता है। बहुत बहुत शुक्रिया।